हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कौनप्रीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकी इंजीनियर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपियम या अफीम के एक ऐसे फ़ायदे के बारे में जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। ऐसा और फ़ायदा किसी भी ड्रग का जो लोग नशा करते हैं और बहुत सी चीज़ों का, ऐसा और फ़ायदा किसी और ड्रग का नहीं है। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना को टाइम खराब किए हुए, बिना को टाइम वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, जो अफीम है या ओपियम है, ये वरदान है भगवान का ह्यूमैनिटी को, ये इंसान को वरदान है भगवान का। भगवान ने एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, कोकीन है, हीरोइन है, अल्कोहल है, बियर है, शराब है, जो भी ड्रग्स हैं, ये सब ब्रेन के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको डोपामीन बोलते हैं, उसका लेवल इंक्रीज करते हैं बॉडी के अंदर। ब्रेन डोपामीन छोड़ता है, तो ब्रेन डोपामीन तब छोड़ता है जब ब्रेन को अच्छा फील होता है, जब उसको प्लेजर मिलता है तब डोपामीन छोड़ता है। नेचुरली भी ब्रेन डोपामीन छोड़ता रहता है। जिन लोगों के अंदर डोपामीन लेवल्स कम हो जाते हैं वो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं या उनको पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। तो अब पहला तो बात ये करें, बड़ी छोटी सी बात है, बात बात में बात अभी कर ही दूं, कि जो लोग अफीम या ओपियम खाएंगे उनको कभी भी पार्किंसंस डिजीज नहीं होगी, क्योंकि अफीम डोपामीन के लेवल्स को बॉडी में कभी भी कम नहीं होने देती। अब बात करें अफीम के अद्भुत फायदे की, तो जितने भी और सारे ड्रग्स हैं, कोकीन है, विस्की है, जो भी सारे ड्रग्स हैं, ये अगर आप इनके अडिक्टेड हो जाएंगे, अगर आप हफ्ते में 2-3 बार इसका सेवन करेंगे काफ़ी अच्छी मात्रा में, ये जैसे विस्की के 1-2 पैग लगाते हैं वैसे नहीं, वो तो ऐसे ही जस्ट एक मेडिसिन होती है। जैसे जो लोग शराब काफ़ी मात्रा में पीते हो, जो लोग शराब के नशे में रहते हैं, मैं उतनी मात्रा की बात कर रहा हूँ, तो जो आपका ब्रेन डोपामीन नेचुरली छोड़ रहा है कुछ समय के बाद, 2-3-4 साल के बाद, ब्रेन की जो प्रोडक्शन है डोपामीन की नेचुरली, वो बंद हो जाएगी। आप शराब पिएंगे या आप कोकीन या हीरोइन खाएंगे तभी डोपामीन ब्रेन छोड़ेगा, नहीं तो ब्रेन डोपामीन नहीं छोड़ेगा। और जो वो ड्रग अडिक्ट रहता है या जो भी इंसान वो ड्रग्स ले रहा है, वो डिप्रेशन में चला जाएगा और उसकी बॉडी के अंदर और सारी बीमारियां लगने का खतरा पैदा हो जाएगा। लेकिन ओपियम या अफीम इकलौता ऐसा ड्रग है जो इस बात की आपको कोई दिक्कत नहीं आने देता, डोपामीन लेवल्स इतने ज़्यादा भी नहीं बढ़ाती, अफीम बहुत कम मात्रा में बढ़ाती है, इतनी ज़्यादा भी नहीं बढ़ाती कि आपका ब्रेन इसका अडिक्टेड हो जाए और बाद में आपका ब्रेन डोपामीन बनानी छोड़ दे। सिर्फ ओपियम के अंदर ही ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होने देती। अब आप एक बात का ध्यान रखिए, मैं ओपियम की बात कर रहा हूँ, ओपियोइड्स की या ओपिएट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मॉर्फिन की या हीरोइन की बात नहीं कर रहा हूँ। हीरोइन ओपियम से ही बनती है, कल को आप बोलें कि हीरोइन से तो ऐसा नहीं होता, हीरोइन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ अफीम की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ओपियम की बात कर रहा हूँ। ये आपके जो डोपामीन लेवल्स हैं उनको एक लेवल तक बढ़ाती है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाती, इसलिए ब्रेन इस बात का अडिक्टेड नहीं होता, वो अपनी नेचुरल जो प्रोडक्शन है डोपामीन की उसको बनाता रहता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आती। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है अफीम का, आप नशा भी करेंगे आपको मज़ा भी आएगा और आपकी जो डोपामीन लेवल्स हैं वो भी वैसे के वैसे बरकरार रहेंगे जितना ब्रेन बना रहा है। तो ये एक बहुत अद्भुत फायदा है, ये एक बहुत बढ़िया फायदा है। तो अगर आपको लगे वीडियो अच्छी, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल का आइकॉन तो ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए शब्बा खैर, नमस्कार, वंदे मातरम।